हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है ICSIL दिल्ली की तरफ से, न्यू वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, इसमें टोटल चार तरह के पोस्ट होंगे जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। सबसे पहली बात कि ICSIL होता क्या है। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसी रहेगी। पोस्ट आपका चार तरह का है, नर्सिंग अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी, सुपरवाइजर यानी वॉचवर्ड के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या लगेगा, एज लिमिट और सैलरी। तो अभी हम लोग आगे समझ लेते हैं इसको। फ्रेंड्स देखिए, हमारी पहली जो पोस्ट है ना, नर्सिंग अटेंडेंट के लिए, इसके लिए अनस्किल्ड फ्रेशर्स भी चलेंगे। देखिए, 8th पास होना चाहिए कैंडिडेट, साथ ही साथ आपको फर्स्ट एड का कोर्स आपने कर रखा हो, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए नर्स ऑर्डरली का, 2 साल कम से कम आपने नर्स ऑर्डरली के तौर पे किसी भी हॉस्पिटल में काम किया हो, एज आपका जो लिमिट है ना, नॉट एक्सीडिंग देन 35 ईयर्स, 35 वर्ष से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। सैलरी जो मिलती है आपको 17,494, मतलब 18,000 से शुरुआत होती है। सेकेंड पोस्ट है आपका सफाई कर्मचारी अनस्किल्ड के लिए। इसमें भी फ्रेंड्स, आपका क्वालिफिकेशन का इसमें कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज अ सफाई कर्मचारी। आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने पहले सफाई कर्मचारी के तौर पर काम किया हुआ है। एज का लिमिट सेम ही है, नॉट एक्सीडिंग दैट, 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र आपका नहीं होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम ही है, 18,000 के तकरीबन, यानी 17,494 रुपी मिलती है। आगे हम लोग बाकी पोस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अभी बात ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को एंड तक वॉच नहीं करते हैं। पहले तो उनको डिटेल समझ में नहीं आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। और सेकेंड थिंग ये है कि मतलब वीडियो देखते नहीं हैं, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन नहीं देखते, डायरेक्ट कमेंट ये आते रहता है कि फेक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करें। सेकेंड चीज़ कि हर बार वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोलती हूँ कि टेलीग्राम पर इसका जो भी जॉब आता है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक सब प्रोवाइडेड है। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए वहां पर भी फॉलो करिए, डाउनलोड करके रीड कर लिया करिए कि कौन सा नोटिफिकेशन आया है, जॉब रियल है या फेक है, उसके बाद ही आप कमेंट करें। चलिए आगे अब हम लोग पोस्ट समझ लेते हैं। थर्ड पोस्ट है सुपरवाइजर यानी वॉचवर्ड के लिए, 10+2 पास, इसके लिए इंटर पास कैंडिडेट चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट का कुछ मेंशन नहीं है, मतलब जो भी 18 वर्ष से ऊपर के होंगे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी आपको दी जाती है 21,215 रुपये, मतलब 21,215 रुपीज सैलरी मिलती है। फोर्थ एंड लास्ट जो हमारा पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए 12 पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट यानी 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए। सैलरी आपको मिलेगा 21,215 रुपीज़, मतलब 21,215 रुपया सैलरी मिलेगा, और इसमें आपको EPF की भी सुविधा रहेगी, जो PF डिडक्ट होता है ना, बाद में आपको वो काम आता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। चारों ही पोस्ट के बारे में क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट और सैलरी बात कर ली। अब मेन पॉइंट ये है कि अप्लाई कब से कब तक होगा। फ्रेंड्स देखिए, अप्लाई 20 मई से स्टार्ट हो चुका है, अंतिम तिथि 31 मई है। तो इसका जो अप्लाई होता है उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, वहां से आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट अप्लाई वाला पोर्शन खुल जाएगा। अप्लाई करते वक्त सभी कैंडिडेट से 590 रुपीज यानी 590 रुपया लिया जाएगा। अब रही बात कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन बहुत ही आसान है, सिंपली आपका इंटरव्यू यानी पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका सिंपल सा मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जॉब की लोकेशन क्या होगी वो भी हम लोग देख लेते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो आपका जॉब लोकेशन है, ऐसे तो आपको पता है कि दिल्ली के लिए है,
लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ लेबर श्रम विभाग में आपको GNCT ऑफ दिल्ली के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। अदर जो तीनों पोस्ट है उसके लिए जो आपका दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो सिचुएटेड है वहां पर आपको जॉब करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टोटल कितना पोस्ट आया है। देखिए, नर्सिंग अटेंडेंट के लिए 9 है, सफाई कर्मचारी के लिए 3 है, सुपरवाइजर के लिए 1 है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 पोस्ट है। तो आई होप इसके बारे में सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब एक और मेन पॉइंट यह है कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब होता है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट जॉब तो नहीं होता है, पर एक पक्की नौकरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाता है, जिसका सैलरी आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा सैलरी इसमें दिया जाता है। अब भी अगर इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर देना, अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करते जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर लेना ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।